नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 46 साल की उम्र में शनिवार देर रात एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। क्वींसलैंड पुलिस के एक बयान में यह जानकारी दी गई। रिटायर्ड ऑलराउंडर की मौत उत्तर क्वींसलैंड में टाउन्सविले से 50 किलोमीटर पश्चिम में हर्वे रेंज में हुई, जब उनका वाहन सड़क से नीचे लुढ़क गया। क्वींसलैंड पुलिस ने रविवार सुबह कहा, आपातकालीन सेवाओं ने 46 वर्षीय साइमंड को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनका निधन हो गया। साइमंड के परिवार ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की और दोस्तों और प्रशंसकों को उनकी सहानुभूति और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मार्च में थाईलैंड में छुट्टी के दौरान शेन वॉन को घातक दिल का दौरा पड़ने के कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत से खेल जगत को झकझोर कर रख दिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट और तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने साइमंड के निधन पर शोक व्यक्त किया। 1998 में क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले साइमंड ने 2009 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 198 वनडे और 14 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। यही नहीं, साइमंड दो बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम 2003 और 2007 का हिस्सा भी रहे। रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दो वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2003 में उसने भारत खिताबी मुकाबले में हराया था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।